नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubah.org naisubah.org। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनम तारिक, नई सुबह इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में। आज हम सीखेंगे हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन इंग्लिश। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट स्टार्ट विद फॉर्मल ग्रीटिंग्स लाइक अस्सलाम वालेकुम और हेलो और गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन और गुड इवनिंग एवरीवन। टाइम के अकॉर्डिंगली हम ये गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग कह सकते हैं। उसके बाद हम अपना नाम बताएंगे लाइक आई एम अनम और आई एम अनम। आई अपोस्ट्रोफी एम स्पेस अपना नाम, आई एम अनम और आई एम अनम, आई स्पेस आई एम स्पेस फिर नाम। माई नेम इज अनम और माई नेम्स अनम, नेम अपोस्ट्रोफी एस स्पेस नाम, माय नेम्स अनम। एंड वी कैन आल्सो से दिस इज अनम। ओके, आफ्टर टेलिंग योर नेम वी कैन ऐड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर सेल्व्स। आई एम फ्रॉम द प्लेस नेम, आई एम फ्रॉम कराची और आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। अगर हम कहेंगे आई एम पाकिस्तानी, आई एम उसके बाद नेशनैलिटी, I am Pakistani। यहाँ हम और अपनी information add कर सकते हैं, I am originally from Punjab। अब हम यहाँ पे ये information दे सकते हैं कि हम कहाँ पैदा हुए और कहाँ बड़े हुए। I was born and raised in Lahore और I was born in Karachi and raised in Lahore। अब इसके बाद और अपनी information देते हुए हम अपने बारे में बता सकते हैं कि हम क्या करते हैं, लाइक आई वर्क एट नई सुबह इन कंप्यूटर डिपार्टमेंट। आई वर्क एट कंपनी नेम उसके बाद इन डिपार्टमेंट नेम, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं आई वर्क फॉर। यहाँ पर कंपनी नेम से पहले जो प्रेपोजिशन लगेगा वो इन नहीं लगेगा, यहाँ पर फॉर या फिर एट ये दो प्रेपोजिशंस ही लग सकते हैं। आई वर्क फॉर नई सुबह या फिर आई वर्क एट नई सुबह एज ए कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और एज एन इंग्लिश टीचर। यहाँ पे मैंने अपनी पोजीशन बताई, या फिर अगर हम डिपार्टमेंट का नाम लिखेंगे तो आई वर्क इन कंप्यूटर डिपार्टमेंट। हम अपनी क्वालिफिकेशन बता सकते हैं, यू कैन से आई हैव completed graduation or you can say I obtained BA degree or I obtained master's degree, you can say like this. After that you can add your information like your age. If you don't want to tell your age, agar aap nahi batana chahte apni age to aap keh sakte hain decade ka batate hue like 20s 30s 40s or teens। इस तरह से बताते हुए यू कैन से आई एम इन अर्ली 20s, मतलब 20 से 25 की बिटवीन अगर आपकी कोई एज है तो यू कैन से आई एम इन अर्ली 20s। इफ़ यू आर 24, 25 और 26, आई एम इन माय मिड 20s और आई एम इन माय लेट 20s। ओके, or you can say your age, I am 24 year old. If you are talking with your friends and you are going to tell you about your family members, so यहाँ पर एक जो common mistake होती है पहले वो मैं बताती हूँ। जैसे कि बहुत से students कहते हैं we are 5 family members, it is wrong. We should say, हमें कहना चाहिए that we are family of 4. We are family of 4. This is correct English. And we are 5 family members, it is wrong. We are family of 4. And agar aapne batana hai how many brothers and sisters you have, you can say I am one of 4 siblings.
I am one of four siblings. Siblings, S-I-B-L-I-N-G-S. Siblings, इसमें brothers, sisters, both, दोनों ही include होते हैं. If you are only child, अगर आप के कोई sister या brother नहीं है, so you can say, आप कह सकते हैं, I am an only child. I am an only child. If you are taking any course, अगर आप कोई course कर रहे हैं, हम कहेंगे, I am taking a course in subject का नाम. अगर वो theory based subject है, तो वहाँ पर in लगेगा subject से पहले, like maths. I am taking a course in maths. अगर वो practical based course है, like jewelry making, तो हम वहाँ पे कहेंगे, I am taking a course on jewelry making. Okay, यहाँ पर हम prepositions को हटा भी सकते हैं. I am taking jewelry making course. I am taking computer course. I am taking English course. Further अपने introduction को आगे बढ़ाते हुए, we can add our hobbies, our likes and dislikes. Like, I like reading, I like swimming. If you don't like anything, you can say I don't like singing or I don't like something what you don't like, if you don't like. Or you can say I am into reading, or you can say I like reading. I am a big fan of, उसके बाद your interest. I am keen observer. यहाँ पे noun लगेगा. After keen, there should be a noun. I am keen learner. I am keen observer. I am keen foodie. Okay? अगर आपको खाने पीने का बहुत शौक है, you can say I am keen foodie. You can add your fun fact, like your interesting fear, or your extraordinary experience, or you can add your an interesting achievement. और आप लोगों का ये होमवर्क है कि आप अपना अपना इंट्रोडक्शन कमेंट बॉक्स में हमें सेंड करें, और उसमें कोई मिस्टेक्स होगी तो वी विल रेक्टिफाई यू. सी यू इन द नेक्स्ट लेसन. टिल देन अल्लाह हाफिज. ये मालूमाती मवाद आपके लिए नई सुबह की जानिब से पेश किया गया. हमारे कंटेंट से मुतालिक अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए.